कानून के नज़र से तो पुलिस अपने काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक जो वो लगा सकते थे धारा है उनके हिसाब से वो लगाए हैं, लेकिन हम हमारी इन लोगों की हालत को देखते हुए और कानून के नज़रिए से 304 ए की धारा बनती है जो यहाँ पे नहीं लगाई गई है। इनमें जो भी धाराएं लगाई गई हैं, एक तीन धाराएं लगाए हैं, उसमें दो कहाँ हैं 288 लगाई गई है, 323 और 304, ये तीनों हैं अवेलेबल हैं और तीनों में बिल मिल जाते हैं आसानी से और यहाँ पे बेल दे दी गई। 304 की अगर रहती तो नन अवेलेबल रहती और उसमें कम से कम 10 साल की सजा रहती। तो हम चाहते थे और इसी संबंध में हमने बात भी की है SHO साहब से, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आगे हम 15 दिन के अभी तो नहीं कर सकते हैं, हम आगे 15 जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट जब तैयार करेंगे तो उसमें हम अपने इन्वेस्टिगेशन के बात जो आएगी बात तो हम उसमें भी रखेंगे इस बात, ये आश्वासन दिया है। दूसरे उन्होंने ये भी बताया कि जो STM ऑफिस या सरकार की तरफ से जो भी मदद मिल सकती है इन लोगों को, NTST वगैरह और आगे की जो कुछ भी पारिवारिक मदद मिल सकती है हम कोशिश करेंगे कि पारिवारिक मदद उनको मिल सके। सर एक्चुअली मुझे गांव से पता चला, मैं गांव में भी हेल्प करते थे हर किसी का, मुझे गांव से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे घटना हुआ, मेरे पंचायत के लड़के थे और फ़ोन आते ही मैंने इसके लिए खड़े उतरे और आए यहाँ पे, तो वो उनसे मिले, उनके जो भी भाई भाई यहाँ रहते थे उनके मम्मी पापा भी गाँव से आए, उन लोग से भी मिले, उनका पोस्टमार्टम हुआ, हम लोग फिर होने के बाद जो है थाने तक आए कि थाने में हम लोग खड़े हुए हैं और SHO साहब से मिलने के बाद वो आश्वासन दिए कि आप 15 दिन का टाइम दो, ये सारा प्रक्रिया जो है 15 दिनों में हो जाएंगे। जो धारे लगाए थे जो सारा ने बताए उस हिसाब से धारा कोई खास है नहीं, जबकि गरीब आदमी है उनको कोई अभी तक सुविधा व्यवस्था नहीं मिल पाया, जो मकान मालिक थे ठेकेदार थे वो सब भागे हुए, उस तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रहा। बस ये है कि मुझे कानून पर भरोसा है, विश्वास है वो अच्छा काम करें, गरीब के लिए थोड़ा सा हेल्प मिले। क्या नाम था मृतक का और परिवार में कौन कौन लोग हैं? जो मृतक है वो रोहित कुमार है उनके नाम, उनके पिताजी है बजरंगी चाचाजी है राजू काम और उनके मम्मी है, एक उनकी वाइफ है, वाइफ के साथ एक छोटा बच्चा है 8 महीने के और उनके अलावा कोई उसके नहीं आगे पीछे देखने वाला, और हम सब मिलके चाहते हैं उनको सहयोग करें सब तरफ से जी। सुबह गए तो साइड देखे, साइड पे क्या था कि जो वो दीवार जो है छत से 10 फुट ऊपर था, वो बहुत ज़माने वो पुराना मकान था, मिट्टी का दीवार था, वो मिट्टी का गाढ़ा मिट्टी कर रखा था। फिर जो है हम लोग मकान मालिक को बोले सर जो हमें काम नहीं करना है, मकान मालिक बोला क्या बात होगा, बोला नहीं काम तो वो, हम बोले जी सर ये दीवार कभी ना कभी गिर सकता है, हम काम नहीं करेंगे। तो बोला नहीं गिरेगा, ये मेरा रिक्स है, तुम लोग काम करो, ये मेरा रिक्स है, कुछ नहीं होगा इसमें। फिर हमने काम शुरू किया, बीम बांधा, ये 2 बजे की घटना है सर, 2:15 या 20 मिनट पे वो दीवार जो है दीवार गिर गया, हम 4 जने उसमें दब गए, चोट सर हमें यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है और सर ये यहाँ भी है और छाती में चोट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद सर क्या हुआ, हम लोग जो दबे हुए थे कोई हमारे को मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था, नहीं तो मकान मालिक नहीं कोई उनका परिवार कोई नहीं मदद के लिए आया, सिर्फ ये लड़का था, 4 जने जो हम थे, एक तो हमारा ख़त्म ही हो गया था, 3 जो और था ये दोनों हमें निकाला। फिर हम मकान मालिक आया, मकान मालिक को बोले हम सर हमको हॉस्पिटल ले चलो, हम जो है हम मतलब बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए हैं, हमको हॉस्पिटल ले चलो। वो क्या किया, हमको और वो जो लड़का था हम उसको देखे तो थोड़ा बहुत उसका होश मतलब सांस चल रहा था, हम बोले सर जल्दी इसको जो है ना ले चलो हॉस्पिटल और इसको बचाओ। फिर ये मकान मालिक क्या किया, तकरीबन 3.5-3 घंटा तो 3 हॉस्पिटल घुमाया हम लोग, तब तक में वो लड़का ख़त्म हो गया। ये फिर ले गया हमें वहाँ पे क्या नाम है ये संजय गांधी हॉस्पिटल, वहाँ पे हमें एडमिट करवाया सरकारी हॉस्पिटल, और वहाँ पे एडमिट करवाया मात्र 10-15 मिनट में ही वो बाहर से दवाई उवाई ला दिया और 2 मिनट में एक्सरे करवाया, उसके बाद जो है हमको बाहर से दवाई ला करके दिया, 2-4 गोटी था, बोला जाओ हो गया अब तुम्हारा काम नहीं है यार। फिर हम लोग को हम चले गए। और जो तुम्हारे साथी जिनकी डेथ हो गई है उन्हें? वो सर वहीं पे उसी हॉस्पिटल में था। तो हमारा ये बयान लिया था थाने से, हमारा बयान लिया सर, हम सोचे कभी ना कभी फ़ोन करेगा, हमारा नंबर उमर सारी चीज़ लिया है थाने वाले थे, हम सोचे जो चार रोज पहले जो मतलब ये घटना हुई थी और इसके बाद जो है मतलब वो
हम सोचे थाना वाला जो फोन करेगा हमें कभी ना कभी बुलाएगा, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया नहीं। उसके बाद आज हम गए वहाँ पे, हम ये फ़ोन किया, थाना वाला फ़ोन किया, भाई उनका मम्मी पापा आ गया, हम बोले हाँ आ गए, तो बोला ठीक है आ जाओ, हम चले गए वहाँ पे। वहाँ पे गए तो आज हमको बोलता है जो केस जो है ना, ये मतलब मकान मालिक का वो अरेस्ट हुआ और बेल भी हो गया उसका। हम बोले सर हम लोग को तो ये चीज़ पता ही नहीं, यही सब चीज़ हुआ। उसके बाद हम लोग फिर सारे मजदूर, हम जितना आदमी थे, हम लोग बोले भाई हमको तो इंसाफ चाहिए। उनका मम्मी को देख लो सर, एक ही लड़का था उसका कमाने वाला, बस और कोई नहीं है उसका, आठ महीना का लड़की है, कोई नहीं है कमाने वाला, हमको इंसाफ चाहिए।